भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ठीक ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक पैंतालीस प्रमुदी पुरु प्रत्यगृहिणा जरा पिता सोपि तद्वयसा काम यथावुषे नृप सप्त द्वीपपति सम्यक पितृवत्पालयन् प्रजाः जथोपजोसं विषयान् जुजसे देवयान्यप्यनुदिनाम् मनोवाग्देह वस्तु प्रेयस परमा प्रीतिम उह इति इस प्रकार प्रमुदिता विशेष रूप से प्रसन्न पुरु पुरु, पुरु।, पुरु प्रत्य गगृहणा प्रति किया ले लिया जरा जरा को बुढ़ापा को पितु, हुँ, पितु हुँ। अपने पिता के सह अपी वे भी महाराज जाति भी, भी, भी वयसा पुरु की जवानी से, से कामान, कामान विषय भोगों को, को जथावत पूरा पूरा जुजुसे भोगने लगे नृपा भोग महाराज परीक्षित हिंदी में बोले इस प्रकार पुरु अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रसन्नता अपने पिता की बुढ़ापा को ले लिए और अपनी जवानी दे दिए महाराज जजाति भी अपने पुत्र की जवानी से विषय भोगों को पूर्ण प्रसन्नता से, से भोगने लगे हे महाराज परीक्षित आप इस भागवत कथा में आए हैं इसके लिए धन्यवाद हैं यह कथा भागवतम की गंगा जी के तट पर हो रही है वक्ता है सुखदेव जी जिन्हें सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं हम लोग और श्रोता हैं महाराज परीक्षित जिनको एक ब्राह्मण का साप मिला कि सातवें दिन उसको तक्षक नाग डस देगा, यह सुनकर महाराज परीक्षित राज्य का त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठ गए कि गंगा जी के किनारे शरीर छूटेगा तो मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊंगा तो जब सारे विश्व के ऋषियों ने बड़े बड़े लोगों ने सुना कि महाराज परीक्षित देह त्यागने के लिए गंगा जी के तट पर बैठे हैं तो वे सभी लोग आए अत्रि वशिष्ठ चवन शरदवान अरिष्ट नेमा भृगुर बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए वहाँ किस लिए आए इसलिए कि महाराज परीक्षित को भगवान की कथा सुनाने के लिए अवश्य कोई महान पुरुष जाएगा तो हमें कथा सुनने का अवसर मिलेगा कथा सुनने की लालसा से संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग वहाँ आए केवल मनुष्य ही नहीं देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ लोग आए जो ऋषि हैं जैसे श्री नारद जी ऋषि हैं नारद जी देवता हैं लेकिन ऋषि हैं देव ऋषि मतलब देवताओं में साधु ये अर्थ है अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्ट नेमी भृगु अंगिरा और पुला पुलास्त और अनेक प्र, अनेक प्रकार के और भी ऋषि भगवान वेदव्यास देव स्वयं आए जिन्होंने भागवत की रचना किया है वे स्वयं कथा सुनने आए भगवान वेद व्यास देव और उनको उपदेश दिया था नारद जी ने तो नारद जी भी उनके गुरु महाराज भी आए श्री नारद जी और पराशर भगवान परशुराम साक्षात भगवान के जो अवतार हैं भगवान परशुराम वे आए सशिष्या अपने शिष्यों के साथ आए यही धर्म है वास्तव में किसी व्यक्ति को चाहिए कि अपने सवार को अपने अधीन रहने वाले शिष्य को पुत्र को छोटे भाई को या राजा अपनी प्रजा को भगवान की कथा में लगावे ये धर्म है सशिष्या ये शब्द सिद्ध कर रहा है कि वे सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आए क्योंकि यह एक बहुत बड़ा लाभ था जीवन में सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की बात सुनना कथा सुनना इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है कथा समानम भूविनाश्त किंचित इस पृथ्वी पर कथा के समान कुछ भी नहीं है भगवान की बात सुनने पर ही भगवान में मन का आवेश होता है मन लगता है यह प्रमाण है सब लोग आए सबके आश्रम थे ऐसा नहीं था कि सब बिना आश्रम के थे लेकिन आश्रम में ताला डालकर बंद करके कथा सुन रहे थे <laughs> एक बार एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज मान लीजिए मैं ही भगवान की आरती करने वाला हूँ कोई दूसरा नहीं है और उसी समय कथा हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए तो हमने कहा कि पूजा को पहले कर लो चाहे कथा के बाद करो लेकिन कथा जरूर सुनो <laughs> कुछ तो हेर फेर हो ही जाता है ना कोई विशेष बात होती है तो आरती को आधा घंटा पहले कर देते हैं चाहे बाद में कर देते हैं तो मैं कहा कि कथा के समय ठाकुर जी का पट बंद कर दो और कथा सुनो तो इस पर बहुत हंगामा हो गया लेकिन मैं जो बात कहा था मैं शास्त्र के बल से कहा था शास्त्र के अनुसार ये सारे ऋषि मुनि क्या ये आरती नहीं करते थे सब खाली बैठे थे और इसलिए कथा हुई तो जुट गए सब काम में थे अध्यात्म में भगवान के भजन में पूजा में सब में ध्यान में लेकिन सब कुछ छोड़ करके कथा के लिए आ गए और अंत में श्री सुखदेव जी आए भगवान वेद देव के द्वारा इन्हें भागवत प्राप्त हुआ था पढ़े थे ऐसा कहा गया है कि भागवत ग्रहण करने के लिए और सारे काम धंधा को छोड़ करके एकाग्र मन से पढ़ना चाहिए तो भगवान वेदव्यास देव ने देखा कि मेरा यह पुत्र सुखदेव यह बिल्कुल विरक्त है और भगवान को छोड़कर और किसी से इसको कोई मतलब नहीं है तो उसको भागवत दिया तो जब सुखदेव गोस्वामी आए गंगा जी के तट पर उस सभा में जिसे सुखताल कहते हैं हम लोग वहाँ कई बार गए हैं बरगद के नीचे बट वृक्ष के नीचे कथा हुई थी गंगा जी के तट पर हरिद्वार जाने में यह पड़ता है वृंदावन से हरिद्वार जाने में तो जब सुखदेव गोस्वामी आए तो सारी ऋषि मुनि खड़े हो गए यहां तक कि भगवान वेद देव खड़े हो गए श्री नारद जी खड़े हो गए उनके स्वागत में जब इसके बाद सब जब बैठ गए तब तो महाराज ने उनसे प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने तो उनके उत्तर के रूप में वे भागवत सुनाए भागवत की इतनी बड़ी महिमा है तो यह नृप संबोधन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को नृप नृपकार से नृन पाती नृप नृप जो मनुष्यों का या जीवों का पालन करे उसको नृप कहते हैं तो महाराज परीक्षित राजा थे इनको संबोधित करके कह कर कर रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित इस प्रकार इति इति का अर्थ इस प्रकार किस प्रकार ये अपने आप कथा में ले लेना चाहिए कि महाराज जजाति ने विनय किया अपने पांचों पुत्रों से तो छोटे पुत्र ने बुढ़ापा ले लिया इति इस प्रकार लिया कह करके पुरु ने कहा कि पिताजी उत्तम श्रेणी का पुत्र वह है जो पिता की इच्छा को जानकर पूरा कर दे और द्वितीय श्रेणी का पुत्र वो है जो पिता के कहने पर आज्ञा का पालन करे और तृतीय श्रेणी का पुत्र वो है जो कहने पर आज्ञा का पालन करे लेकिन श्रद्धा से नहीं भार मानकर और चौथे श्रेणी का पुत्र पुत्र नहीं है वो पिता का मूत्र है जो श्रद्धा अश्रद्धा से भी आज्ञा का पालन ना करे ऐसा कहे और यह कह करके उन्होंने कहा कि पिताजी यह शरीर आपका है आपने जन्म दिया है खिलाया है पिलाया है पढ़ाया है आप इस शरीर को बढ़ाए हैं यह वास्तव में आपका है मैं आपको नहीं दुख कुछ दे रहा हूँ आपकी चीज आपको दे रहा हूँ इस प्रकार कह करके छोटा बेटा प्रमुदित प्रकर्षण मुदित बहुत प्रसन्न मन से खुशी के साथ अपने पिता की बुढ़ापा को ले लिया और पिता को अपनी जवानी दे दिया तो यहाँ पर सुखदेव जी नृप संबोधन इसलिए कह रहे हैं कि महाराज आप इसी वंश में जन्म लिए हैं पूर्व वंश में जिस वंश का ये पुरु ये राजा इतना बड़ा काम किया तो इस तरह से नृप संबोधन करके बहुत ही महान बात कह रहे हैं कि पुरु ने जो त्याग किया अपनी जवानी दे दिया अपने पिता को ये बहुत बड़ा काम है इसी पर संबोधन कर रहे हैं जब जवानी दिया बुढ़ापा लिया तो परम उदित परम खुशी के साथ आनंद के साथ उसे बुढ़ापा लेने में और अपनी जवानी देने में आनंद अनुभव हो रहा था कब तक जब तक पिताजी जवान रहे जवानी धारण के तब तक वो बहुत खुश था कोई दुख नहीं हुआ प्रमुदित अर्थ होता है प्रकर्षण बहुत अधिक और मुदित का अर्थ होता है मोद में था खुशी में था बूढ़ा हो गया लड़का लेकिन वो खुशी में था कि हमारे पिताजी सुखी हैं उनका सुख देख करके उसको ज्यादा सुख मिल रहा था अपने पिता से जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई बच्चा माँ के उधर में रहता है पेट में रहता है तो पेट में कभी कभी बच्चा इधर उधर अंग बदलता है लात मारता है उस समय माँ के पेट में पीड़ा होती है जब बच्चा हिलता है तो लेकिन गर्भ धारण करने में उसको पीड़ा तो है कुछ कष्ट है लेकिन बच्चा होगा यह जो सुख है उसके आगे वो अपनी पीड़ा नहीं गिनती है कुछ भी तो इसी प्रकार पूर्व महाराज अपने पिता को खुश देख करके आनंदित देख करके ये आनंद में थे कोई दुख नहीं हो रहा था जब कभी कभी थोड़ा सा कष्ट सहने से ज़्यादा लाभ हो तो वो कष्ट कष्ट नहीं माना जाता है एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ मुझे याद आ गई झारखंड की घटना है झारखंड एक स्टेट है बिहार का ही ये कौन सा है तो, एक बार उसी झारखंड में एक गांव का भक्त एक दूसरे व्यक्ति के साथ जा रहा था अपने ससुराल भक्त था इसकान का ही भक्त तिलक बड़ा किया था माला लगा लिया था और हरे किसने चादर ओढ़ लिया था और माला झोली थी उसके साथ गांव का एक व्यक्ति जा रहा था तो गांव का वो व्यक्ति जा रहा था इनके साथ ससुराल भक्त जो थे अपने ससुराल जा रहे थे एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ ससुराल जा रहे थे और उनके साथ वो व्यक्ति था तो वो व्यक्ति तंबाकू खाता था अरे भक्त थे ये खाते नहीं थे तो जब खाना होता था तो पूछ लेते थे कि खाऊँ ना अगर तब तो भक्त कहते थे कि हाँ खाइए तंबाकू समझते हैं ना न पता नहीं डच में क्या कहते हैं अच्छा हाँ तंबाकू उधर वो हाथ में लेकर मलते हैं चूना लगाते हैं खाते हैं उधर बना साइड चूसते हैं खाते हैं खाने, खाने वाले चूसते हैं तो जा रहे थे ऐसे स्थान पर पहुंचे दोनों उस क्षेत्र में ये प्रचार था कि यहाँ उड़का रहते हैं और एक व्यक्ति दूसरा था जो अपने छोटी सी बेटी को लेकर के जा रहा था तो रास्ते में भेंट हो गई तो ये प्रचार था उस, उस इलाके में कि वहाँ उड़का रहते हैं उड़का का मतलब होता है <laughs> उड़का मतलब नर बलि देने वाला व्यक्ति मनुष्य को काटने वाला बलि देने वाला बलि समझते हैं ना तो उसको उड़का कहते हैं उस क्षेत्र में ऐसा प्रचार था कि यहाँ उड़का रहते हैं तो उड़का कैसे रहते हैं तो वे तिलक करते हैं लाल कपड़ा ओढ़ते हैं ये करते हैं तो वो जो आदमी था अपनी बच्ची के साथ जा रहा था तो ये दोनों मिल गए उसी जंग घोर जंगल में तो उस समय तंबाकू खाने वाला व्यक्ति पूछा भक्त से उनका राम श्याम दास नाम है वो अभी भी हैं वो पहलवान टाइप के हैं <laughs> तो वो 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 पूछा चलते चलते वो पूछने लगा एक उसकी अब खैनी खाने की मन मन हुआ उसको तंबाकू खाने का मन हुआ तो ऐसे ही पूछ दिया भोजपुरी में कहा कि तब हो अब आपन वाली करी ना हम <laughs> आपन वाली करी ना उनका तो पूछने का आशय था कि अब मैं खैनी खाऊँ ना आप आज्ञा देते <laughs> तो भक्त कह दी हाँ भाई अब कर सकते हो अपना तो वो आदमी जो जा रहा था लड़की लेकर के उसके मन में आया कि ये ऐसे ही तिलक किया हुआ माला लगाया हुआ ओड़का है काली जी का भक्त है और ये ओड़का है तो वो तुरंत यहाँ हे बाप कह करके भागा लड़की भी पीछे से रोती हुई चली गई उनके मन में आया कि ये नर बलि देने वाले हैं दोनों और अब पूछ रहा है कि अब अपना काम करें ना <laughs> इस कारण से वो तो अपना काम वो तो व्यक्ति समझा नहीं कि खैनी खाने के लिए परमिशन चाहता है उसने कह दिया अब भक्त ने कह दिया कि हाँ भाई करो अपना काम <laughs> इस पर वे लोग वो व्यक्ति समझा कि हमारे बच्ची का वध करके ये लोग काली को देना चाहते हैं नर बलि देना चाहते हैं तो भागा आहिरी बाप आहिर दादा करते हुए अब लड़की भी बेचारी रोते हुए भागी और वो लोग उसी गांव के थे जिस गांव में भक्त की ससुराल थी तो भाग करके चले गए और जा करके गांव में हल्ला किए कि ओड़का आ रहा है ओड़का आ रहा है ये आ रहा है तो गांव के सब लोग लाठी लेकर के निकले <laughs> निकले और उस समय तो कौन क्या देखता है आते आते वो जो पहलवान टाइप के थे भक्त वे उसी गांव में उनकी ससुराल थी लेकिन अब सब लोग पहचाने नहीं तो भक्त वेश में हो, हो गए थे और कुछ शाम हो गई थी तो गांव के लोग आए और सीधे मारो 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 ये उड़का आए हैं ये आए हैं मारो मारो और वो रो रहा था व्यक्ति कि उड़का है हमारी बच्ची को मारना चाहते थे तो बच्ची भी भाग करके चली गई थी लेकिन गांव के लोग आए और आ कर के एक आदमी सभी लाठी लिए थे लेकिन एक आदमी लाठी से इनको मार दिया थोड़ा सा यहाँ पर लग गया उनको चोट थोड़ा खून बहने लगा बहुत चोट नहीं लगी थी खून देखा लोगों ने अब इसके बाद किसी ने पहचान लिया अरे रुको रुको पाहुन है अरे पाहुन, पाहुन है ये क्या किया इनको मारा ऐसे तो रोक दिए रोक दिए बहुत आश्चर्य में लोग पड़ गए कि गांव के पाहुन है और ऐसा काम कर रहे हैं ये उड़का है बाद में पता चला कि नहीं नहीं ये उड़का नहीं है ये तो ये तो भक्त हैं वैष्णव हैं और है, वो जो आए हैं वो खैनी खाने के लिए कह दिए <laughs> कि अब अपन वाली करी न और इसी पर इनको भ्रम हो गया वो कह जाकर सुनाए थे कि वो कहा कि अब अपनी वाली करी ना तो दूसरा कहा कि हाँ हाँ अपना वाला करो मतलब छुरी उरी निकालो अब काट <laughs> तो इस पर भागे तो हुआ क्या अकस्मात किसी व्यक्ति ने हल्के लाठी से मार दिया थोड़ा सा खून चुहा दो चार बूंद और बंद हो गया अब इसके बाद तो पंचायत बैठी कि किसने मारा है गांव के पाहुन को किसने मारा है किसने मारा है तो उस गांव में मैं गया हूँ <laughs> किसने मारा तो पंचायत बैठी तो जो मारा था उस पर दंड लगाया गया मैं यही बात कहने के लिए कथा कह रहा हूँ पर तो दंड लगाया गया कितने का एक हजार रुपये का वो गांव गरीब गांव में एक हजार रुपया बहुत होता है तो दंड लगा तो वो गए नाम एक <laughs> गाँव है वहां पर एक डॉक्टर थे बीस रुपया में उनको ठीक कर तो नौ सौ अस्सी रुपया उनको मिला फायदा हुआ तो जब जब हमारे पास वो आए थे तो बता रहे थे तो मैं पूछा कितना दवाई में लगा सारी घटना सुनने के बाद वो कहे कि बीस रुपया लगा बीस रुपये में ठीक हो गया अच्छा तो एक हज़ार रुपया मिला और बीस रुपया केवल दवा में लगा तो कहते हैं अरे ऐसा तो हम, <laughs> हम चाहते नहीं कि रोज हमरा के मारल जाओ एक हजार हम चाहते हैं कि हमको रोज कोई मारे और एक हजार रुपया दे <laughs> कि नौ सौ अस्सी रुपया रोज मिलेगा वे ऐसे कह रहे सचमुच हृदय से कह रहे थे कोई बना करके नहीं कह रहे थे वो तो पहलवान थे कि रोज कोई मारे एक लाठी और हमको एक हजार रुपया दे <laughs> तो ये मैं कह रहा था कि उनको थोड़ी सी चोट लगी थी लेकिन फिर भी जब एक हज़ार रुपया मिला तो वो चोट कुछ नहीं गिने में बल्कि उसी के कारण उनको आनंद आ रहा था कि भला हमको मारा कि रुपया मिला मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध कर रहा है और दूर है तो दूर से उस पर वो मारे मारने वाले के पास पास सोने का मुहर हो सोने का सिक्का पैसा और उससे मारना चालू करे तो जिसको मार रहा है उस पर थोड़ी सी चोट भी लगेगी लेकिन फिर भी वो चाहेगा कि और मारो <laughs> और मारो जितना बार मारोगे उतना सोने की मुद्रा मिलेगी स्वर्ण मुद्रा तो इस तरह से पुरु महाराज अपने पिता के सुख को देख करके सुखी थे बुढ़ापा में बहुत दुख होता है न चला जाता है न खाया जाता है न देखा जाता है शरीर में पीड़ा होती है सब होता है परंतु पिताजी सुखी हैं इस भावना से पुरु को कोई दुख नहीं हुआ है इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रमुदित पुरु खूब खुश थे आनंद में थे और पिताजी को दे दिए जवानी और सोपी और जजाति महाराज तो खुश थे ही जजाति महाराज बहुत ही आनंद के साथ अपने पुत्र की जवानी से संसार के सुख को भोगने लगे क्या संसार का सुख है पांच इंद्रियों से भोगा जाता है आंख से देखना कान से सुनना अच्छा अच्छा गीत सुनना या अपने प्रिय की बोली सुनना और स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करना नासिका से गंध लेना और जिह से बहुत सी चीजें खाना ये है संसार का भोग तो जवान आदमी ही ठीक से खा सकता है है ना बूढ़ा आदमी तो पचाएगा भी नहीं और अगर ज्यादा खा लिया तो फिर उसे अस्मय में ही टॉयलेट जाना पड़ेगा हमेशा वहां भी जाने की शक्ति नहीं रहती है तो पड़े पड़े खाट पर ही शौच करता रहता है देखा गया है ना बुढ़ापा में कितना कष्ट है लेकिन ये सारे कष्ट पुरु को दुखी नहीं कर रहे थे वो सुखी सुख में थे कि हमारे पिताजी परम आनंद में है सुख में है तो ए, ये ध्यान देने की बात है कि ऐसे भी बेटा हुए हैं इस संसार में जो इतना दुख सह करके भी अपने माता पिता को सुखी करना चाहते यही इतिहास हमारा है इतना उज्जवल इतिहास और जथावत जुजु से यथावत का अर्थ के पूर्ण कैपेसिटी से और पूर्ण तरह से सुख भोग रहे थे तो उसका मतलब है जथावत जथा कामम जथा उत्साहम जथा कालम जथा सुखम जथा कामन जितनी उनकी इच्छा होती थी कामना होती थी जैसे खाने की देखने की सुनने की और फिर स्त्री संग आदि की जितनी इच्छा होती थी उतना वो भोगों को भोगते थे और जथा उत्साह जितना उत्साह रहता था महाराज जजाति में उत्साह था और उसके अनुसार भोगते थे इस अनुसार में तो देखा गया है मान लीजिए किसी को उत्साह है उत्साह है कि मैं खाऊंगा खूब पकवान खाऊंगा ये खाऊंगा लेकिन वो खा नहीं सकता है उत्साह रहता है परंतु उत्साह के अनुसार नहीं खा सकता है उसको बाधा होती है कोई ना कोई रोग होता है वो खा नहीं सकता है इस संसार में देखा जाता है मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो वो मीठा क्या खाएगा उत्साह होगा जीव में लेकिन डॉक्टर मना करेगा नहीं 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 खाइए नहीं, नहीं, नहीं तो मर जाएंगे उत्साह होते हुए नहीं खाता है और जथा कालम काल के अनुसार भोग भोगते थे वे जैसे जाड़ा में गर्म चीज़ खाना या और भी नाना प्रकार के जो शरीर को सुख देने वाले सामान हैं उनको भोगते थे और जथा सुखम, हम जथा आनंद के साथ सुख के साथ कोई भी चीज़ भोगते थे देखते थे राजा थे ही उनके लिए कोई सवारी की कमी नहीं थी विमान की कमी नहीं थी वे विमान से स्वर्ग भी जाते थे और वो कामक विमान था ऐसा नहीं था वो पेट्रोल से और कंप्यूटर से चलने वाला था उसमें कोई एक बूंद पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं रहती थी और ऐसे विमान जो छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है इच्छा के अनुसार और इच्छा के अनुसार ही स्पीड भी पकड़ सकता है इच्छा के अनुसार उतर सकता है कहीं भी ये विमान इच्छा के अनुसार नहीं उतर सकता है एयरपोर्ट पर ही उतरेगा है ना? और नहीं कोई उतार दे इधर उधर तो <laughs> सबकी लीला समाप्त हो जाएगी yeah. <laughs> लेकिन कामक विमान था उससे वे नंदन बन चैत्र रथ बन विभ्राजक और सर्वतोभद्र भद्र देवताओं के के चार उद्यान है उसमें जाकर के विहार करते थे घूमते थे मेरु पर्वत की घाटियों में ये जाते थे यह कौन ऐसा है इस समय किसको ये सब भोग सुलभ है एक तो भोग सुलभ नहीं है और भोग भोगने वाला शरीर भी कंडम है किसी काम का नहीं क्या कोई भोगेगा भोग ही नहीं सकता है कोई व्यक्ति स्त्री को भोगना चाहता है कितना भोग सकता है कुछ ही समय में वो शिथिल हो जाता है शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है क्या कोई भोग भोगेगा इस संसार में और महाराज जाति को जो शरीर मिला था जो जवानी मिली थी तो अव्याहत इंद्रिय कहा गया उनकी कोई भी इंद्रिया शिथिल नहीं थी तो बंद कर लीजिए मोबाइल कथा के समय बंद कर लेना चाहिए नहीं तो अपनी बेइज्जती होती है ना मन में लोग कितना गाली देते होंगे उस व्यक्ति को अपनी इज्जत बचानी चाहिए उत्साह के साथ और पूर्ण दक्षता के साथ ये प्रश्न होगा कि भाई संसार के समस्त भोगों को भोगने के लिए तो बहुत धन चाहिए और पद चाहिए पावर चाहिए तब सुखदेव जी कहते महाराज महाराजा सप्त द्वीपवती पृथ्वी के सम्राट थे सप्त द्वीप है। इस समय भी सात महादेश हैं जो द्वीप कहते हैं चारों तरफ समुद्र है और बीच में जो स्थल होता है उसको द्वीप कहते हैं तो सप्त द्वीपवती इस पृथ्वी के एकत्र सम्राट तो पैसे की धन की पावर की कोई कमी नहीं थी संसार का कहीं कभी सुख भोग सकते थे किसी भी प्रकार का खान पान या वायवान या स्त्रियाँ कुछ भी ये इसको सिद्ध करने के लिए, के लिए कहा जा रहा है पति सप्त द्वीप वाले इस पृथ्वी के पति थे स्वामी थे और एक यह भी बात है कि वो जो भी भोग भोग रहे थे धर्म के अनुसार भोग रहे थे राजा का कर्तव्य है पहला कि वह प्रजा का पालन करे राजा का यही धर्म है भगवान श्री राम लक्ष्मण जिसे कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी जिस राजा के राज्य में प्रिय प्रजा दुखी रहती है वह राजा निश्चित नरक में जाता है ये भगवान का वाक्य सो नृप अवश्य नरक के अधिकारी तो लक्ष्मण जी को रोक रहे हैं कि भैया पिताजी मेरे दुख में दुखी हैं और भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं। अतः तो तुम मेरे सदबन चलने का हठ मत करो तुम रहो और प्रजा का पालन करो उसी में कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी स्वनृप अवश्य अधिकारी तो इस प्रकार से पाप करने वाला कोई राजा सुख भी भोगे तो उसके सुख का कोई महत्व नहीं है परंतु महाराज जजाति प्रजा का पालन कर रहे थे कैसे पितृव जैसे माता पिता अपने संतान का पालन करते हैं ऐसे समस्त प्रजा का पालन कर रहे थे वास्तव में राजा पिता जैसा है और उसके राज्य में जो ही प्रजा है प्रजा का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है प्रजा का मतलब पक्षी पशु वृक्ष कीट पतंग ये सभी प्रजा है राजा की तो उससे ध्यान देना चाहिए कि ये सब सुखी रहे तो सबका वो पालन कर रहे थे कैसे पालन कर रहे थे सम्यक सम्यक का अर्थ पूर्णतः सब तरह से और पितृवत् पिता के समान सम्यक का अर्थ है कि पूरी शक्ति थी सामर्थ्य थी कर रहे थे और सम्यक इसलिए कहा गया कि मान लीजिए कोई कह दे कि पिता की तरह पालन करते थे लेकिन इस संसार में तो देखा जाता है कि माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे का पालन करना लेकिन शक्ति नहीं होते हुए करते नहीं हैं इच्छा रहती है कि हमारा बेटा सुखी रहे विद्वान बने धनवान बने सफल बने सबका उपकार करे लेकिन धन भी नहीं रहता है स्नेह रहता है बच्चे के प्रति लेकिन कर नहीं पाते हैं परंतु महाराज जजाति स्नेह भी रखे थे और सम्यक पूर्ण समर्थ थे पालन करने में तो सारी प्रजा का पालन किए चाहे वो वृक्ष हो पक्षी हो मनुष्य हो सबको जीने का अधिकार दिया उन्होंने सब सभी सुख से रहे जब राजा ही प्रजा को पुत्र जैसा समझे तो फिर कहाँ दुख होगा पालयन पालयन का ये अर्थ है कि वे देख रहे थे सबको ठीक भोजन मिल रहा है सबकी पढ़ाई लिखाई ठीक है सबके पास घर द्वार है और सबको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने की वे सुविधा दे रहे थे प्रत्येक व्यक्ति को ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह कृष्ण से प्रेम करे एक बार झांसी में अहिंसा पर प्रवचन होना था महात्मा गांधी जी अहिंसा आंदोलन चलाए थे तो सीलो प्रभुपाद रहते थे झांसी में तो वहाँ पर प्रभु एक टॉपिक दिया गया कि अहिंसा पर बोलना है तो प्रभुपाद जी की बारी आई तो प्रभुपाद जी कहे कि हिंसा का क्या मतलब है हिंसा का मतलब है किसी के अधिकार का हनन करना इसको हिंसा कहते हैं तो प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी भी जीव को सहज अधिकार है कृष्ण से प्रेम करने का कृष्ण की भक्ति करने का क्योंकि वह कृष्ण का नित्य दास है तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में बाधा दे या सुविधा न दे और वह कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है तो यह उसकी हिंसा है ऐसा उन्होंने प्रवचन किया तो महाराज जजाति सबका पालन कर रहे थे अर्थात अपने राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति करने की सुविधा दे रहे थे सुविधा दे रहे थे सब भक्ति कर रहे थे सुख से जी रहे थे केवल जीना ही उद्देश्य नहीं है कभी कभी लोग चिंता करते हैं कि परिवार चलाना है जिलाना है खिलाना है जिला कर क्या करेंगे जिला करके पशु जैसा ऐसे ही चलाएंगे जी करके भगवान का भजन करना है जीव से तत्व जिज्ञास तो महाराज जजाति अपने राज्य में भगवान के भक्ति की खूब सुविधा दिए थे सब जगह मंदिर थे यज्ञ होता था कीर्तन होता था आगे वर्णन आएगा धन्य धन्य निरप धन्य जजाति एक पद में कहा गया कि जजाति महाराज धन्य थे जिनके राज्य में सभी सुखी थे जैसे भगवान राम के राज्य में सब सुखी थे वैसे जजाति महाराज के राज्य में सुखी थे सात दीप के पति थे पिता के समान पालन कर रहे थे और जथोपजो सम जुज से अव्याहत इंद्रिय महाराज जजाति की इंद्रिया एक हजार वर्ष तक बिल्कुल शिथिल नहीं हुई आँख में देखने की शक्ति पूर्ण थी कान में सुनने की खाने की या स्त्री संगादि की सारी शक्तियाँ इनकी जेव की तेव थी अव्याहत इंद्रिय इस संसार में किसी के ऐसी इंद्रियां नहीं है आंख कुछ दिन के बाद पूर्ण देखना बंद करने लगती है कान सुनना बंद कर देता बहरा हो जाता है व्यक्ति पैर अभी ठीक से चल रहा है कुछ काल के बाद ये भी अब ऑर्डर में नहीं चलेगा <laughs> ये बिल्कुल नहीं चलेगा <laughs> सब शिथिल हो जाता है शरीर बूढ़ा हो जाता है बेकार हो जाता है लेकिन जजाति महाराज की इंद्रियां बिल्कुल फिट थी वे कभी भी चश्मा नहीं लगाए आजकल के तो छोटे छोटे लड़के भी चश्मा चढ़ा लेते हैं पता नहीं एक बार मैं पूछा है किसी से कि शौक से करते हैं कि। नहीं नहीं शौक से नहीं करते हैं एक आवश्यकता होती है जो खान पान इतना बिगड़ गया है आचार विचार ब्रह्मचर्य का पालन आदि नहीं होता है कि आदमी इस तरह से अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है और असमय में ही शरीर कमजोर हो जाता है शिथिल हो जाता है एक हजार वर्ष तक महाराज जजाति की इंद्रिया अव्याहत थी अव्याहत इंद्रिय न कोई नजर में कमी आई थी न कान में सुनने की शक्ति कम हुई थी न शरीर पर कोई झूरी पड़ी थी शिकुड़ा आई थी बिल्कुल वे जुवक थे और इस तरह से जुवक रह करके उन्होंने संसार का सारा भोग भोगा फिर भी तृप्ति नहीं हुई इसी बात को सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं पूर्ण समर्थ थे पूर्ण कैपेसिटी थी भोगने के सप्त पृथ्वी के राजा थे अच्छा भोजन वस्त्र स्वास्थ्य सुख और भक्ति की सुविधा अक्षीण शक्ति रही पाँच प्रकार का भोग है शब्द रूप रस गंध और स्पर्श यही पाँच प्रकार के भोग आदमी भोगता रहता है खाने का जो विषय है वो जीवा का विषय है और स्पर्श इंद्रिय स्त्री संग आदि स्पर्श इंद्रिय का काम है और कोई सुंदर गीत सुनना या किसी की बोली सुनना कान का कार्य है नासिका का कार्य है गंध लेना मनुष्य इन पांच विषयों को ही भोगता रहता है चाहे उसके भोगने का जो भी प्रकार वस्तु हो अलग अलग वस्तु हो सकते हैं, लेकिन प्रकार है पांच प्रकार पर इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति कितना भी भोग भोगे उसको तृप्ति नहीं होती है उसकी कामना बनी रहती है और इसी कारण से उसको अनेक शरीर धारण करना पड़ता है मरने के बाद कामना रह जाती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए इसीलिए दूसरा जन्म दिया जाता है और इतनी कामना है इतनी कामना है कि उस कामना की पूर्ति के लिए बहुत शरीर लेना पड़ेगा ऐसा नहीं कि दुष एक शरीर मिला और उसमें हम कुछ भोग भोगे या तृप्ति हो गई नहीं तो उसी के लिए अनेक शरीर बनाया गया चौरासी लाख प्रकार का शरीर और जीव की कभी तृप्ति नहीं होती है कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि मैं राजा होता मेरे पास काफ़ी धन होता सुविधा होती और राजा राजा मैंने पद भी बड़ा होता और धन भी रहता शरीर की शक्ति भी रहती तो मैं कुछ भोग भोग सकता था लेकिन भागवत में दिखाया गया है कि इन सारी सुविधाओं से युक्त राजा जैसे जजाति महाराज या पूर्वा महाराज या अनेक राजर्षि हुए जिनको सब सुविधा थी इस पृथ्वी का भोग छोड़ दीजिए वे स्वर्ग गए स्वर्ग में भोग भोगे उर्वशी के साथ रहे लेकिन अंत में उन्होंने यही निर्णय दिया कि ये सब बिल्कुल बेकार है आत्मा को इससे कोई लाभ नहीं है आत्मा में और देह में अंतर है देह को सुखी करने से आत्मा सुखी नहीं हो सकता है आत्माचिन्मय है भगवान का अंश है भगवान के संपर्क में आने पर ही आत्मा सुखी हो सकता है ऐसे नहीं सुखी हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपा जी कहते हैं किसी पिंजड़े में बंद पक्षी को भोजन न दे और पिंजरा को ही सजावे उस पर सोने का पालिश करे रेशमी कपड़ा ओढ़ावे खूब और पक्षी मर रहा है पिंजड़े के अंदर चें कर रहा है मर रहा है उसको भोजन नहीं मिल रहा है और कोई मूर्ख आदमी सोचे कि ये पक्षी रो रहा है ये पिंजरा है इसको सजाओ 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 तो सज पिंजरा सजाने से क्या होगा कोई कितना भी अच्छा कपड़ा पहने कितना भी अच्छा भोजन मिले उसको सम्मान मिले दुनिया का इससे आत्मा का को कोई लाभ नहीं होगा जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए और मछली छटपटाने लगे जल से बाहर आ के तो कोई मूर्ख आदमी कहे अरे छटपटा रही है इसको भोजन दो भोजन दो बासमती का राइस दो इसको तो खिलाओ ये बेचारी मछली तड़प रही है और उस मूर्ख को ये ज्ञान नहीं है कि मछली का जीवन है जल जल में पहले डालो लेकिन वह कह कोई कोई कहे कि कोई दूसरा व्यक्ति आवे कहे नहीं नहीं छटपटा रही मछली ऐसे सुखी नहीं होगी ऐसा काम करो कि एक टिकट कटा करके और बाईवान से इसको जरा घुमाओ <laughs> कोई दूसरा मूर्ख आवे और कहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं तो इसको झूला जुला झूलाओ <laughs> कोई कहे कि इसको ठंडा लग रहा है कपड़ा पहनाओ कोई कहे कि नहीं नहीं दूध पिलाओ कुछ भी कीजिए वो जल से बाहर सुखी नहीं होगी वो छटपटाती रहेगी उसी प्रकार से जब तक हम लोग कृष्ण से जुक्त नहीं होंगे तब तक सुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है पूरा दुनिया एक व्यक्ति को दे दी जाए सुख का अनुभव नहीं करेगा जजाति महाराज ने कहा है अपने उद्गार में आगे उद्गार का वर्णन आएगा इस तरह से राजा सुख भोगे लेकिन उस सुख का अनुभव नहीं किए ऐसा कभी नहीं सोचे कि सुख मिला अच्छा मान लीजिए कोई राजा है बड़ा पद है राजा का और धन भी काफी है शरीर भी बहुत सुंदर है स्वस्थ है और सारी सुविधा है भोगने की लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या माना गया है लौकिक दृष्टि से या बड़े बड़े कवियों ने भी कहा है कि और जो भी सुख है स्त्री सुख सबसे बड़ा है वो कहते हैं लौकिक सुख में जबकि सुख नहीं है वास्तव में बहुत बड़ा दुख है लेकिन ये मनुष्यों का स्वभाव है दुखे मान ही ना वो दुख, वो मूर्खता बस दुख को ही सुख मान लेते हैं लेकिन ये ये बहुत बड़ा दुख है संसार में जन्मैथुना दुख सुखम ही दुखम ऐसा प्रहलाद महाराज ने कहा है ये दुख है लेकिन मान लीजिए अगर कोई सुख मानता है तो कोई कह सकता है कि भाई सारा सुख महाराज जजाति को मिला लेकिन मान लीजिए स्त्री अच्छी ना मिले तब माना जाएगा कि वो फेलवर हो गया अगर ठीक स्त्री नहीं मिली तो, तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवयान्य पनुदिनम मनोवाग देह वस्तु भी प्रेय सह परमाम प्रीतिम वाह प्रेयसी जिस तरह से जजाति महाराज युवक थे उसी तरह से देवयानी अपी देवयानी भी पूर्ण जुवती थी और उसकी भी इंद्रियां आंख नाक कान शरीर बिल्कुल जजाति महाराज के समान रही कभी शिथिल नहीं हुआ शरीर ये तो उसके शरीर की शोभा का वर्णन किया जा रहा है और दूसरा वह वा मनोवाग वस्तु भी मनोवाग देह वस्तु भी अपने मन से संकल्प करके और वचन से देह से और अनेक वस्तुओं से रह एकांत में महाराज जजाति को सुख दे रही थी परम पतिव्रता स्त्री थी और अपने सुंदर शरीर को उनकी सेवा में हाजिर की थी इन चार चीज का नाम सुखदेव को शामिल ले रहे हैं मन वचन देह और वस्तु इस संसार में किसी व्यक्ति के लिए यदि वो गृहस्थ है तो उसकी पत्नी एक बहुत ही सुख का साधन है लौकिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ तो पत्नी यदि हमेशा पति के मंगल की कामना करे हमारे पति स्वस्थ रहें वो सुखी रहें वो सफल हों बार बार मन में विचार करे तो इसको कहते हैं मन मन संकल्प विकल्प करता है हमारे पति सुखी हों विद्वान हों उनका स्वास्थ्य ठीक रहे सब कुछ उनको सफलता मिले और जितना भी कंपटीशन हो रहा है उसमें भी जीत जाए और पत्नी का मान लीजिए संकल्प हो रहा है संकल्प भी बहुत बड़ी चीज़ है केवल पत्नी अगर मन से भी अपने पति के विषय में ऐसा सोचती है तो उसका प्रभाव होता है जैसे कहा गया है कि कछुआ कछुए की माँ कहीं भी रहती है अपने अंडे का चिंतन करती है तो अंडा बढ़ता है संकल्प का इतना महत्व है इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते मन देवयानी मन से हमेशा पति की सेवा करती थी अच्छा मन और वचन और वचन से वचन बहुत मधुर बोलती थी और यथार्थ वचन बोलती थी और ज्यादा नहीं बोलती थी ऐसा वचन जो पति को सुख दे एक श्लोक में आया है कि एक गृहस्थ के लिए चाणक पंडित कहते हैं कि माता जस गृह नास्ती भारजा चाप्रिय भाषिणी अरण्यम तेन गंतव्यो जथारण्यम तथा वनम जथारण्यम तथा गृहम जिस व्यक्ति की माँ घर पर नहीं है चाहे मर गई है चाहे जैसे भी मां नहीं है और अपनी पत्नी अप्रिय बोलने वाली है कर्कशा है ठीक से नहीं बोलती है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो घर छोड़कर वन में चला जाए चाणक्य जी कहते हैं अरण्यम तेन गंतव्य उसको घर में नहीं रहना चाहिए अगर कठोर बोलने वाली पत्नी है और माँ भी नहीं है भोजन कराने वाली तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो वन में चला जाए अरण्य में चला जाए तो क्यों वो कहते हैं कि जथा रणीम तथा गृहम अब वन में जंगल में और घर में अंतर क्या रहा उसको जंगल में ही चले जाना चाहिए <laughs> एक बार मैं ये कथा कहा तो एक भक्त पूछा कि जब घर और वन एक ही है तो वन में क्यों जाए <laughs> उसका मतलब यह है, है कि घर में दुख ज्यादा होगा वन में ठीक से रहेगा जैसे भी हो वहाँ सर्दी आदि लगेगी भूख प्यास होगी लेकिन कम से कम कठोर वचन तो वाइफ का नहीं सुनना पड़ेगा जैसे ये बहुत खराब चीज़ है पत्नी को बहुत पाप लगता है यदि अपने पति को कठोर वचन बोलती है क्योंकि बेचारा दिन भर का इधर उधर थका मांदा घर पर आता है तो घर ही ऐसा है जहाँ उसको आदर मिलना चाहिए है ना और जब किसी ने तिरस्कार किया हो किसी वस्तु का अभाव हो आता है तो दो चीज़ है घर पर सुख का साधन एक तो भोजन और दूसरा अपने पत्नी का प्रिय वचन और कुछ भी ना हो अगर वो प्रेम से कह दे आई आई बैठिए तो इतने पर ही व्यक्ति तृप्त हो जाएगा है ना लेकिन मान लीजिए अगर पति घर में आता है और पत्नी बस अभी कुर्सी पर बैठी हुई है तो उसको तो नरक में जाना ही पड़ेगा पत्नी को तो नरक में जाना ही है लेकिन पति भी बेचारा दुख में पड़ेगा यहाँ सुखदेव गोस्वामी देवयानी जी का वर्णन कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ मनोवाग वा... मनो देह वस्तु विचार चार चीज से सुख दे रही थी तो वचन से धर्म बताया गया है कि यदि पति घर में आवे और उसके आने की खबर मिल जाए कि वो आ रहे हैं तो पत्नी का धर्म है कि वो खड़ा हो जाए खड़ा हो जाए कभी भी पति बैठा हुआ ना देखें आते समय खड़ा हो जाए अगवानी करे प्रतिदिन और इसके बाद उनको आसन दे बैठने के लिए या संकेत करे कि आप बैठिए एक बार मैं ऐसी बात कह रहा था तो एक पत्नी खड़ी हो गई किसी की <laughs> और कही कि तो रोज घर में आता है तो देखता नहीं है कि वो कुर्सी पर बैठना है बताना क्या है हाँ <laughs> ठीक है <laughs> लेकिन इसको अभ्युत्थान कहते हैं अभ्युत्थानम गृह आगतव आगे जब गृहपति अपना पति आवे घर में तो देख उसके आने के पहले ही खड़ा हो जाना चाहिए दरवाजा खोलना चाहिए दरवाजे से रिसीव करके लावे आसन झाड़ करके कहे बैठिए और इसके बाद पानी पीने को दे ये सब कहा गया है शास्त्र कह रहा है और जब प्रिया अगर मधुर वचन बोलती है तो घर में गरीबी रहते हुए भी अगर कोई मान लीजिए अड़चन है दुख द्वंद फिर भी अगर प्रेम से बोले अपने पति से तो घर में फिर दुख नहीं रहता है लेकिन अगर दुनिया में जला हुआ व्यक्ति ऑफिस में इधर उधर और आवे और आने के बाद वो, वो कठोर वचन स्त्री बोलती है तो इसे बढ़ करके दुख दूसरा कुछ भी नहीं है ये कहा गया है शास्त्रों में तो देवयानी बहुत मधुर वचन बोलती थी कभी अपने पति को नहीं डांटी या कठोर वचन कभी नहीं सुंदर वचन द्वारा उनको सुख दे रही थी पत्नी का सुंदर वचन पति के लिए अद्भुत सुख का विषय है ये सीखना चाहिए वास्तव में स्त्रियों को सीखना चाहिए कैसे बोलना है क्या करना है ये ऐसा नहीं कुछ भी बोल दे हम कभी कभी किसी किसी स्त्री से पूछे कर मिलने पर कई लोग रहते हैं तो कि तो वो कौन है तो स्त्री क्या कहते वो हमारे मिस्टर हैं तो हमारे मिस्टर है और उधर मिस्टर जिसे पूछा जाता है वो कौन है हमारे मिसेज है बाप रे हमारी हमारी ये कहने की आदत हो गई कि हमारी संस्कृति ये है कि अगर पत्नी से पूछा जाए पति के विषय में तो कोई पूछे वो कौन है तो कहेगी कि अमुक के पिताजी अपने बच्चे का नाम लेगी और कहेगी उसके पिताजी अपना संबंध नहीं बताती उसके पिताजी हैं और पति से पूछा जाए तो कहेगा वो उसकी माँ है अपने बेटा का नाम लेकर के कहेगा उसकी माँ है डायरेक्ट अपना संबंध नहीं बताया जाता और इधर तो बस डायरेक्ट मिस्टर और मिसेज हो जाते हैं अब तो बहुत आगे बात चली गई कि पति लोग भी चाहते हैं कि ये हमको नाम लेकर पुकारे हमने एक बार कहा कि पत्नी का धर्म है कि पति का नाम ना ले कोई अपने लिए दूसरा नाम कर ले उनका जो उनका प्रसिद्ध नाम है वो ना बोले तो एक भक्त तो हमको बताया कि नहीं नहीं पति लोग ही चाहते हैं कि हमारा नाम रखे हो और ऐसे नाम रखती हैं स्त्रियां लगता है कि पति या तो उसका पुत्र है या सर्वेंट है ऐसे बोलती हैं नाम रखकर सीधा बुलाती <laughs> एक बार हमने देखा है इस बात को हमारे साथ अमेरिका जाते थे एक भक्त अब नहीं है इंग्लैंड के थे तो एक जय सुख भाई के घर पर हम लोग ठहरे थे और एक बार उनकी पत्नी और वे दोनों जा रहे थे और हम बैठे थे और इंग्लैंड के जो थे वे तो किसी बात से उनकी पत्नी में और उस भक्त में बहस होने लगी किसी बात से अब इसमें याद नहीं है हमको क्या बहस चल रहा था तो बहस में जो पति था उस भक्त को सपोर्ट किया कहते नहीं नहीं ये ठीक कहते हैं ये उनका नाम था मिश्र पुरंदर तो कहे ये ठीक कहते हैं इसी पर पत्नी क्या कहती है कीप क्वाइट अपने पति को मैंने हम लोग झगड़ा कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट न करके और भक्त का कर रहा है इतना जोर से डांटी वो ड्राइविंग कर रहे थे जयसुख भाई वो ड्राइविंग कर रहे थे कांप गए कहे और इसके बाद जो उनकी बोली बंद हुई तो पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोले <laughs> इतनी डांट पड़ी अपने पत्नी की उनको मैं भी कहती है बाद में कि आप गलत कर रहे थे ना जब दोनों में विवाद छिड़ा है तो आपको अपने पत्नी का ही पक्ष लेना चाहिए भले वो हो लेकिन आप उसके पति हैं तो आपको उसको उसका पक्ष लेना चाहिए तो इस तरह से कभी कभी स्त्रियाँ बोल देती हैं अच्छा दे है मन वचन और देह और वस्तु इन चारों से वो सेवा कर रहे थे जजाती महाराज देह का तो सब समझते हैं अपने शरीर को खूब अच्छा से नहला धुला कर साफ सुथरा रखना अलंकार पहनना अच्छा वस्त्र पहनना और अपने देह को पति के सुख के लिए हाजिर करना यह अर्थ है और अनेक वस्तु भी वस्तु का अर्थ है खाने पीने की वस्तु या श्रृंगार की वस्तु पति को जो भी सुख दे उन वस्तुओं को संभाल करके रखना जुटाना हमेशा कि पति ये खाएंगे ये पिएंगे ये पहनेंगे ऐसे वैसे तो देवयानी सब तरह से अपने पति को सुखी करने का प्रयास कर रही थी और सारा भोग तो सुलभ था ही पत्नी भी पूर्ण अनुकूल मिली थी और सब तरह से राजा की सेवा कर रही थी लेकिन फिर भी जजाति महाराज तृप्त नहीं हुए उनकी कामना कभी शांत नहीं हुई यही बात कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये बात बोल रहे अच्छा इसके साथ ही वे देवयानी जैसी पत्नी पाए थे जो सब तरह से पति की सेवा कर रही थी मन से वचन से देह से वस्तुओं से ये सेवा करना ही वास्तव में पत्नी का धर्म है सेवा करना चाहिए और इसके साथ ही जजाति महाराज भगवान के परम भक्त थे सुखदेव जी ये कह रहे और यज यज्ञ पुरुषम क्रतुभिर्भूरि दक्षिण ही सर्व देवमय देवम सर्वेदमय हरिम महाराज जजाति भगवान श्री कृष्ण की आराधना किए कैसे चूंकि ये राजा थे इसीलिए यज्ञों के द्वारा आराधना की यज्ञों के द्वारा यज्ञ का मतलब क्या होता है यज्ञ के मुख्य तीन अंग हैं पहला अंग है प्रसाद प्रसाद होना चाहिए बहुत से लोग जुटते हैं और वहाँ भगवान की कथा कीर्तन तो भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन ये दूसरा अंग है और प्रसाद तथा हवन ये तीन अंग होते हैं यज्ञ के जिस यज्ञ में प्रसाद नहीं है वो यज्ञ बिना मतलब के है और जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणाएं नहीं दी जाती हैं वह भी यज्ञ बिल्कुल बेकार है तो महाराज जजाति बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए बहुत बड़े बड़े यज्ञ तो मैंने पढ़ा है कि उनके यज्ञ में दाल बनता था भात बनता था सब्जियां बनती थी तो दाल कहाँ रखा जाता था बड़े बड़े कुंड बनाए गए थे उसमें दाल रखा जाता था उसके लिए कोई बर्तन नहीं सुलभ था इतना बड़ा बड़ा बर्तन कुंड बने थे सरोवर जैसा दाल और पहाड़ जैसा भात ऐसे दिखाई पड़ता था एक एक लाख दो दो लाख रोज खाते थे जनता प्रसाद खाती थी भगवान का और कथा होती थी कीर्तन होता था और हवन होता था इसी को यज्ञ कहते हैं इस युग में भागवत के अनुसार यज्ञ है भगवान का कीर्तन और प्रसाद खूब कीर्तन करना यज्ञ है संकीर्तनों प्राय जजंत ही सुमेधसा कीर्तन करना खूब उच्च स्वर से और नाचना और इसके बाद प्रसाद खाना प्रभु जी तो यही कहते थे यही जीवन है खाना गाना नाचना <laughs> यही है जीवन इसको जग कहते हैं तो महाराज जजाति अयजत जजन किए जजन प्रसन्न करना किसको प्रसन्न करना चाहते थे यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुषम, जो यज्ञ भोक्ता हैं जो यज्ञ के आराध्य हैं यज्ञ उन्हीं के लिए किया जाता है यज्ञ पुरुष कौन है कृष्ण ये विष्णु इन्हीं को यज्ञ पुरुष कहते हैं सर्वत्र बात प्रसिद्ध है यज्ञ पुरुष कोई दूसरा नहीं हो सकता है कुछ भी करो ये करो और नाम दे दो कि यज्ञ हो रहा है नहीं नहीं यज्ञ भगवान के लिए किया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैसे यज्ञ करते कृतवीर भूरी दक्षिणा ऐसे यज्ञ कर रहे थे उन यज्ञों में भूरी दक्षिणाएं दी जाती थी बहुत दक्षिणा दी जाती थी दक्षिणा प्रसाद देना भी एक दक्षिणा है और विशेष करके ब्राह्मणों को या भक्तों को जो उस यज्ञ का संपादन कर रहे थे उनको महाराज बहुत दक्षिणा देते थे भूरी दक्षिणा क्यों भगवान की ही पूजा करते थे भगवान कहीं नाम कीर्तन होता था कथा होती थी हवन होता था क्यों क्योंकि भगवान सर्वदेवमय हैं सर्वदेवमयम देवम श्री विष्णु या श्री कृष्ण सर्वदेवमय हैं सारे देवता उनके अंदर है यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो सारे देवताओं की, की हुई मानी जाएगी पूजा कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये तो अवहेलना कर रहा है किसी का अगर भगवान की पूजा कर रहा है तो वह दूसरे का अपमान नहीं कर रहा है उससे दूसरे दु, देवता प्रसन्न होते हैं भगवान शिव ने तो यहाँ तक कहा है भागवत में कि मेरे भक्त मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना मुझे वासुदेव के भक्त प्रिय है स्पष्ट कहते दादा द्वादश स्कंध में मारकंडे जी से बातचीत करते हुए अपनी पत्नी से ही कहते हैं कि भगवान कृष्ण का भक्त मुझे जितना प्रिय है उतना मुझे अपना भक्त प्रिय नहीं उदाहरण दिया गया है जथा मूल निशेचने न स्कंद तथ स्कुजोप शाखा प्राणोपहारा चथेन्द्रियाणाम तथे सरबार हणमच तेज्य जैसे पेट को अन्न देने से वह अन्न हाथ को पैर को नेत्र को सिर को सबको पहुंच जाता है एक जगह अन्न दिया जाता है पेट को वो सब जगह पहुंच जाता है और जैसे वृक्ष के मूल में जड़ में सिंचाई करने से वह जल वृक्ष के शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फल सब में पहुंच जाता है उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी देवताओं को मिल जाती है सभी उसी से तृप्त होते हैं और दूसरे कोई पूजने लायक है भी नहीं जैसे अगर पेट में अन्न न दे करके कोई ये सोचे कि हाथ में बांध देना चाहिए रोटी या आँख में शरबत पिला देना चाहिए भोक्ता नहीं है और जो अंग हैं वो करता है। काम करते हैं लेकिन भोगने वाले विष्णु हैं, उनको जब दिया जाता है तब सारे देवताओं को पहुंच जाता है लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवता की पूजा कर रहा है भगवान को छोड़ करके तो वो वो देवता भी पूजा नहीं ले सकते लेते ही नहीं है जैसे किसी के मान लीजिए पैर में वो व्यक्ति ड्राइवर हो कार चला करके आया हो तो पैर से काम किया है आँख से काम किया है हाथ से काम किया है पर खाते समय कौन कौन खाएंगे पेट खाएगा है ना ऐसा नहीं कह सकते क्या भाई पैर भी क्लच या क्या दबाया है तो एक दो समोसा पैर को भी दो तो डाले रहेंगे खा नहीं सकता है है ना आंख देखी है रोड पर इसलिए आंख को भी एक आध पूरी खिलाना चाहिए या कोई चीज डालना चाहिए तो देख रहा वो भी अंधा हो जाएगा आँख में डालने पर कोई कान कान भी सुना है इंडिया में तो कान से बहुत ड्राइव करते हैं सुन सुन करके <laughs> यहाँ की कारें तो गूंगी हैं <laughs> लेकिन इंडिया की कारें बहुत बोलती है <laughs> तो सुना है तो उस सोचे होटल में खाते समय कि भाई कान ने बहुत काम किया है तो कान में भी एक कप खीर डाल देना चाहिए और पीठ में पैर में सब जगह रोटी बांध दीजिए समोसा बांध दीजिए ये भोक्ता नहीं है देने पर भी ये खा नहीं सकते हैं दूसरे जीव मनुष्य या देवता दैत्य ये सब भक्ता नहीं है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मिल श्री भगवान गीता में कहते हैं कि मैं भक्ता हूँ सब चीजों का शुभ कर्मों का भक्ता मैं हूँ मुझे संतुष्ट करने के लिए काम करना चाहिए मुझे जो भी देना है देना चाहिए क्योंकि मैं भोगता हूँ जैसे पेट भोगता है लेकिन ऐसा भोगता है कि अपने भीतर डाले हुए भोजन के रस को सब जगह पहुंचा देता हाथ में पहुंचा देता है आँख में पहुंचा देता है अगर भोजन न किया जाए तो आँख भी देखती नहीं है <laughs> ऐसा हमने सुना एक बार गाय चराते समय मैं भी गाय चरा रहा था तो हमारा एक भाई था चचेरा कुछ देर के बाद भूख लग गई प्यास लग गई तो वो कहता है हमारा लौकत नहीं के भूख से <laughs> <laughs> तो लेकिन अब आँख में दिखाई दे इसके लिए पेट में डालना पड़ता है यदि कोई चाहता है कि हम दूसरे देवताओं का आदर करें तो उसे चाहिए कि भगवान कृष्ण का भजन करें इसी से सारे देवता तृप्त होते संतुष्ट होते हैं और उस व्यक्ति को वरदान देते हैं अपना आशीर्वाद देते हैं कि यह भगवान की भक्ति कर रहा है पर भक्त को ऐसा होना चाहिए को कभी भी अवहेलना न करे देवताओं की इसका मतलब ये नहीं है कि पेट भोगता है तो हाथ को काट कर फेंक दे हाथ का अपना महत्व है ऐसे हाथ की सेवा का मतलब है पेट में अन्न देना लेकिन फिर भी हाथ रहना चाहिए देवता भगवान के अंग हैं वे भगवान नहीं हैं लेकिन भगवान के अंग हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं उनके बहुत प्रिय हैं तो देवताओं का सम्मान होना ही चाहिए जैसा उचित है शास्त्र के अनुसार कभी कभी कुछ लोग इस आवेश में आ जाते हैं कि नहीं नहीं दूसरे देवताओं की क्या जरूरत देवता की तो जरूरत नहीं है ऐसा कहते हैं पर आदमी के पीछे रोज घूमते हैं है ना देवता की कोई जरूरत नहीं ऑफिस में गए तो बोस को हाथ जोड़ते हैं या हमको कुछ दो हमको नौकरी दो ये दो वो दो रोज मनुष्यों की ही चापलूसी कर रहे हैं फाइल उठा करके तुम कुछ पैसा दे दो कुछ ये करो इसको ये करो ये करो। तो जब आदमी के पीछे इतने पड़े हैं इससे तो बेटर है देवता के पीछे होना और उससे भी बेटर है भगवान के पीछे होना तो वो उन लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि ए भाई देवताओं की पूजा मत करो शास्त्र भी कहता है कभी कभी उनकी जो भगवान कृष्ण में बिल्कुल रचे पचे हैं जब देवता की पूजा करने की उनको फुर्सत नहीं है तो आदमी की पूजा करने की कहाँ फुर्सत होगी सब तो आदमी की मनुष्य की ही पूजा कर रहे हैं ना, चाहते एक खुश हो जाए एक खुश हो जाए एक खुश हो जाए ये खुश हो जाए तो मैं जो ये बात कह रहा हूँ यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं सर्वदेवमय देवम भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं, उन्हीं के भीतर सब कुछ है सारे देवता उन्हीं के भीतर वास करते हैं सब उन्हीं के अधीन हैं। अगर वे प्रसन्न हो जाते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि देवताओं का तिरस्कार किया जाए उनका जथा योग्य सम्मान होना ही चाहिए तो जो व्यक्ति व्यवहार में है और मनुष्यों की चपलूसी कर रहा है खुशामद करता है कुत्ता जैसा और देवताओं की बात आती है तो कहते नहीं नहीं देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए तुम देवता की पूजा नहीं करोगे और वाइफ की जाकर पूजा करोगे है ना ये खुश रहे अब वो खुश रहेगी तो बस सब कुछ ठीक है और वो रंज हो गए तो मर जाता है गाय सारे विश्व का ईश्वर ही रंज हो गया ये देखा जाता है देवताओं का बहुत बड़ा आदर होना चाहिए हमारे गोस्वामी जन हैं सनातन गोस्वामी वे भगवान शिव के साथ बातचीत करते थे और भगवान शिव उनको इतना पसंद करते थे कि एक दिन किसी दिन नहीं गए शिव जी का दर्शन करने तो कहे कि आप भगवान शिव कहते हैं कि आपका दर्शन नहीं हुआ आप एक बार सनातन गोस्वामी जा रहे थे चकलेश्वर से गोवर्धन से क्योंकि वहाँ मच्छर लग रहे थे लेकिन मच्छर बहुत काटते हैं मैं यहाँ से जा रहा तो भगवान शिव एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर कहे कि नहीं अब यहाँ मच्छर नहीं लगेंगे आप यहीं रहिए <laughs> भक्तों का देवताओं के साथ बहुत संबंध होता है क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं इसके साथ ही साथ वे लोग भी बहुत गलती करते हैं जो किसी भी देवता को भगवान मान लेते हैं पूजा करना ठीक है लेकिन अब कंसेप्शन बदलना ना कि यही ब्रह्म है कर्ता धरता है विश्व के रचयिता है ये सब फालतू बातें हैं विश्व के रचयिता हैं विष्णु भागवत में कई बार बात कही गई है भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं इसका पालन करते हैं प्रलय करते हैं देवता उसमें भगवान के साथ काम करते हैं उनके प्रतिनिधि हैं सेवक तो विष्णु सर्वदेवमय है और सर्व वेदमयम हरिम और श्री कृष्ण सर्व वेदमय है वेदमय का अर्थ है कि सारे वेद उन्हीं को समझने के लिए लिखे गए वेदश्च सर्व ही रह वेद्य वेद सास स्मृति पुराण जो भी है कृष्ण को समझने के लिए है और कुछ समझने के लिए नहीं तो ये सर्व वेदमय है वेद का एक एक अक्षर एक एक श्लोक कृष्ण की महिमा बताता है अतः तो जो व्यक्ति कृष्ण को समझ गया तो समझना चाहिए कि वो सारे वेदों को समझ गया ठीक ठीक समझ गया और नहीं वेद पढ़ रहा है और ये कह रहा है कि ईश्वर निराकार है कृष्ण तो एक महापुरुष थे इस तरह का बोका व्यक्ति डल माइंडेड उसका कुछ ज्ञान नहीं है ऐसे बोलना कई जगह भारतवर्ष में ऐसा कुछ दल है जो कहता है हम ओरिजिनल वेद मानते हैं पुराण को नहीं मानते तो ठीक है वेद को मानो तो वेद में तो केवल कृष्ण का वर्णन है कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वेदैश्च सर्वे ब वेद्य वेद के द्वारा मैं ही तात्पर्य हूँ मेरे मुझे जानने के लिए वेद बनाया गया ये आप बात कैसे कहते हैं तो कहते हैं वेदांत विद वेदांत विद मैं ही वेद को जानने वाला हूँ और कोई नहीं जानता है भगवान कहते हैं आप कैसे जानते हैं तो कहते हैं, मैं ही वेद बनाया हूँ <laughs> मैं ही वेद का करता हूँ फिर मैं जानता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है और दूसरे लोग जो मूढ़ लोग कहते हैं कि हम ओरिजिनल वेद मानते हैं मूर्ति पूजा नहीं मानते वो गधे क्या समझेंगे तो गीता भी नहीं समझे गीता का ये वाक्य तो समझना चाहिए न अरे तो हम वेद नहीं मानते हैं ये नहीं मान अरे हम मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं मूर्ति पूजा न मानना यह भी बहुत भारी गधापन है मूर्खता है वास्तव में कोई कोई कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा का निषेध किया किसी व्यक्ति ने तो बचपन में वो देख लिया कि एक चूहा शिव जी पर घूम रहा है और शिव जी को जो प्रसाद चढ़ाया गया है उसको खा रहा है जूठा कर रहा है और शिव जी के मस्तक पर भी चढ़ जा रहा है तो अगर यह ईश्वर है तो चूहा को दंड क्यों नहीं दे रहा है देखिए अरे भगवान तो क्षमा के समुद्र हैं, क्षमा के समुद्र हैं। कोई साधारण व्यक्ति भी मान लीजिए कोई बच्चा छोटा सा किसी के सिर पर चढ़ है या माता पिता के सिर पर मूत्र भी कर देता है तो क्या वो उठाकर पटक देंगे क्या माता पिता या सज्जन आदमी कभी ऐसा करता है तो भगवान शिव तो करुणा के सागर हैं क्षमा के समुद्र हैं अगर उनके दरबार में कोई छोटा सा चूहा उनका प्रसाद खा ले तो क्या करे त्रिशूल उठाकर मार दें और वो अभी कौन विचार दिया एक बच्चा विचार दिया था बाद में स्वामी बना होगा जो भी बना होगा उस समय बच्चा का विचार था न कि स्वामी का विचार था उसका रियलाइजेशन गलत था और मान लीजिए कोई बच्चा आवे किसी की गोद में बैठे और अकस्मात पेशाब कर दे तो कोई भी व्यक्ति क्या मारेगा उसको नहीं नहीं कभी नहीं मार सकते <coughs> भोजपुरी में तो कहते हैं ललकन के मूत्र चना अमृत था <laughs> बच्चों का मूत्र तो चरण अमृत माना जाता है भगवान मूर्ति के रूप में भक्तों की सेवा लेने के लिए प्रकट होते हैं, उसको अर्चा अर्चावतार विषय में बहुत उदाहरण है तो भगवान वास्तव में सर्व वेदमय है वेद से तात्पर्य चार जो वेद हैं इसके साथ ही उपनिषद हैं और पुराण हैं महाभारत रामायण जो कुछ भी है इसको वैदिक ग्रंथ कहते हैं यह भगवान कृष्ण को विष्णु को समझने के लिए बनाया गया सर्व वेद में है कोई ऐसा पार्ट नहीं है वेद का जो दूसरे का वर्णन करता हो सब तात्पर्य रूप से कृष्ण का वर्णन करते हैं तो वेदों के द्वारा भगवान प्रतिपाद्य हैं और समस्त देवताओं के वे आराध्य हैं सेव्य हैं ऐसे भगवान विष्णु की पूजा इन्होंने किया यदि भगवान प्रसन्न हैं तो ठीक है सब सब कुछ जीवन सफल है अनेक यज्ञ किए और बहुत दक्षिणा दे दे कर किए कृत भी भूरी दक्षिणा यज्ञ में दक्षिणाएं देनी चाहिए दक्षिणा का तात्पर्य है जैसे मैं कहा भोजन देना श्रीमद भागवत सप्ताह भी एक यज्ञ है तो आप लोग तो भोजन दे रहे हैं बहुत अच्छा है <laughs> यज्ञ में अगर प्रसाद न हो तो वो यज्ञ किस काम का कभी कभी लोग यज्ञ करते हैं कहीं कहीं तो जनता को वो सूखा आटा उसमें थोड़ा गुड़ या चीनी मिला करके थोड़ा थोड़ा बांट देते ये कोई प्रसाद है सूखा आटा कभी कभी <laughs> गेहूँ का या चावल का आटा है खूब अच्छा बना बना कर खिलाना चाहिए यदि कोई व्यक्ति भक्ति में है कीर्तन कर रहा है और कथा सुन रहा है तो उसको खिलाना चाहिए यह यज्ञ है और यह बहुत पुनीत कार्य है ये पवित्र कार्य व्यक्ति को उस समय अपना पैसा नहीं देखना चाहिए शास्त्र कहता है कि यज्ञ में विवाह में अगर अपने आमदनी से ज्यादा भी खर्च हो जाए ऋण भी हो जाए तो ठीक शास्त्र <laughs> कहता है बच्ची का विवाह करना है अगर कुछ ज्यादा भी लग जाता है कोई बात नहीं किस किस काम में ज्यादा नहीं खर्च करना चाहिए बताया गया श्राद्ध में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए एक विधि होती है विधि का पालन करना चाहिए ज्यादा नहीं खर्च करना चाहिए और और भी तीर्थयात्रा में ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए लिखा गया काम भर खर्च करना चाहिए परंतु यज्ञ में भगवान के कथा कीर्तन में और प्रचार में तथा विवाह में अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्ज लेना ही चाहिए ऐसा मत समझिएगा लेकिन कभी कुछ ज्यादा हो जाए तो चल सकता है लेकिन तो इस तरह से ये कार्य महाराज जजाति ने किया खूब बड़े बड़े जग किए बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दिए भगवान को प्रसन्न करने के फेरे में रहते थे प्रसन्न कर लिए और भगवान का वर्णन कर रहे हैं कैसे हैं श्री कृष्ण जस्मिन इदम विरचितम व्यमनी व वा जलदावली ही नाने वाति वा ना भाति स्वप्न माया मनोरथ ये संस्कृत के श्लोक हैं भागवत हो बहु हम भागवत कहने के लिए बैठे हैं इसलिए हमें अपने श्लोक के निकट चलना है <laughs> तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज जजाति क्या सोचते थे भगवान के विषय में उनका क्या, क्या कंसेप्शन था जानते थे कि विष्णु ही परम ईश्वर हैं जस्मिन इदम विरचितम जिनके भीतर ही ये सारा संसार है गीता में भगवान ने दिखाया अर्जुन को कि सारा जगत उनके भीतर शरीर में था जस्मिन इदम विरचितम जिनके भीतर ही है सारा जगत रहता है कैसे व्योमनी व जलदावली जैसे आकाश में बादल छाते हैं आकाश के भीतर ही रहते हैं और कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं आपने देखा होगा कभी बादल छंट जाते हैं घाम उग जाता है धूप आ जाता है कभी बादल छा जाता है तो इसी तरह से भगवान के भीतर ही विष्णु के श्री कृष्ण के भीतर ही कभी जगत प्रकट होता है कभी इसका नाश हो जाता है कभी रहता है कभी नहीं रहता है जैसे आकाश में कभी कभी बादल रहते हैं कभी नहीं रहते अच्छा ये प्रश्न होगा कि इतनी जो सृष्टि है मनुष्य हैं पशु पक्षी देवता दैत पहाड़ नदी जो भी है ये पहले क्या थे? सृष्टि जब नहीं थी तो ये कहाँ थे उस समय भी ये भगवान में ही थे भगवान कृष्ण के भीतर ही ये वस्तुएं थी कारण रूप से और जब सृष्टि हुई तब भी भगवान के भीतर ही ये सृष्टि है और प्रलय होता है तो वो भी भगवान के भीतर ही ये सारा जगत रहता है कभी सृष्टि रहती है प्रकट रहती है कभी नहीं रहती है तो इससे सिद्ध हुआ जैसे आकाश अचल है आकाश नित्य रहता है लेकिन बादल आते हैं चले जाते हैं इसी तरह से जगत के जितने भी जीव हैं मनुष्य देवता दैत पशु पक्षी ये भोजन की सामग्रियाँ या नदी पहाड़ तारा समुद्र जो भी हैं ये सब नासवान हैं नश्वर हैं पर भगवान श्री कृष्ण अचल हैं अविनाशी हैं वे पर ब्रह्म हैं अविनाशी हैं वो रहेंगे पर ये जीव सब नहीं रहेंगे हम लोग आज जन्म लिए हैं कुछ काल के बाद सब धीरे धीरे शरीर छोड़ करके विलीन हो जाएंगे दूसरा शरीर मिलेगा एक दिन ऐसा आता है कि पूरी सृष्टि सस्पेंड कर दी जाती है कुछ भी नहीं रहता है सब प्रलय हो जाता है पर कारण रूप से सभी भगवान कृष्ण के भीतर ही रहते हैं तो वे नित्य है वे शाश्वत हैं सनातन हैं इसीलिए सनातन भगवान के साथ सनातन जीव का जो संबंध है और उस संबंध के अनुसार जो कार्य करता है उसको सनातन धर्म कहा गया है भगवान श्री कृष्ण सनातन है जीव भी सनातन है और जीव और कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो सनातन है उस संबंध को जागृत करने के लिए जब जीव भक्ति करता है तो उसी को सनातन धर्म कहते हैं सनातन धर्म कोई दूसरा नहीं है भगवान विष्णु की पूजा करना विष्णु को समझना यही है सनातन धर्म तो यहाँ बताया गया है कि जैसे आकाश में बादल छाते हैं और नष्ट हो जाते हैं इसी तरह से सारा जगत भगवान कृष्ण के भीतर ही रहता है कभी प्रकट होता है कभी नष्ट हो जाता है ये हैं भगवान जो भी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं मुख्य रूप से आप देखते हैं यहाँ पर जीवों का शरीर मनुष्य इतने हैं कितने मनुष्य हैं इस समय छ अरब से भी ज्यादा है ना तो इतने मनुष्य हैं उनका शरीर बनाने में कितना कितना ये मेटेरियल लगा होगा ये सब आया कहां से अच्छा घर द्वार बने हैं पर्वत बना है नदियां हैं समुद्र हैं विविध जीव जंतु हैं इनका शरीर किस चीज से बना है पांच भूत से बना है महाभूत कहते हैं संस्कृत में इसको महाभूत कहते हैं महा है दी ग्रेट है भूत मैंने जो उत्पन्न हुआ है है भू क्रिया से भूत बनता है जो है उसको महाभूत कह महान स्टॉक भगवान ने बनाया है पांच चीज का वो है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश महान स्टॉक है इस पृथ्वी से कितने घर बनते रहेंगे और घर ढह करके फिर विलीन हो जाते हैं कितने मनुष्य उत्पन्न होंगे पशु पक्षी सब इसी में विलीन हो जाएंगे ये पृथ्वी घटने वाली नहीं है ये महाभूत है ग्रेट सबस्टेंस कहेंगे उसको और दूसरा है बहुत बड़ा अमाउंट जल का जल बहुत है बहुत है जल अब मनुष्य उसका भोग जैसे करे लेकिन अमाउंट बहुत है जल का मनुष्य के शरीर में भी जल है धरती में जल है समुद्र में जल भरा पड़ा है चारों तरफ यहाँ बोरिंग कीजिए तो यहाँ भी जल मिलेगा सब जगह जल और इसके बाद है अग्नि अग्नि का भी स्टॉक बहुत है यदि सारे संसार को भी आग बनाया जा सकता है आग प्रकट हो जाती है ना आग कहीं से आती नहीं है अब नहीं तो आग कहीं से आता नहीं है वो प्रकट हो जाता है तब प्रकट हुआ नहीं तो आदमी देखेगा कि दिया सलाई के तिली में फर से आग उत्पन्न हुआ लेकिन वो है आग पूरे संसार को जला सकता है वो आग है ऑलरेडी सब जगह इस घर में दीवार में मनुष्य के देह में सब जगह आग है एक दिन वो प्रकट हो जाता है अच्छा तो पृथ्वी जल अग्नि और वायु वायु भी सर्वत महान स्टॉक है और आकाश इन्हीं पांचों को मिला मिला करके जीवों का शरीर बनता है इसलिए उसको पाँच भौतिक शरीर कहते हैं पाँच भूतों से जीव चीज़ों से बना है पर कितनी भी सृष्टि हो और इसके साथ ही साथ ये जीवों के खाने के लिए समान जीवों का शरीर तो भगवान बनाए ही ये क्या खाएंगे पहनेंगे इनके लिए घर द्वार सब कुछ भगवान ने बनाया है अब इतने मनुष्यों के लिए जूता ये सब बना हुआ है ना एक एक आदमी के लिए दस दस जोड़ी जूता है एक बार मैं एक जगह गया अमेरिका में घर में तो दो पुरुष केवल रह रहे थे माता जी और स्त्री और दो बच्चे थे एक जगह एक साइज के जूता में गिनने लगा तो बयालीस जोड़ी था फोर्टी टू पेयर जूता तो मैं पूछा कि ये किसका है वो हमारा ही है वो बताया कि हमारा ही तो इस तरह से पता नहीं कितने लोग तो सौ सौ जोड़ी भी रखे होंगे और शायद ही कोई होगा जिसके पास जूता ना होता तो इतना जूता बनाने का सारा प्रबंध भगवान ने किया है कोई आदमी अपने साथ कुछ लेकर के नहीं आया ऐसा नहीं कि अपने जन्म लेने लगा तो एक अंडरवियर पहन करके आवे या एक टोकरी माटी लेकर के आवे या जूता मोजा टोपी लेकर आवे कुछ नहीं लेकर आया खाली हाथ आया है और जाएगा तो सब कुछ यहीं छोड़ करके जाएगा कुछ लेकर के नहीं जा सकता है ये देह भी लेकर के नहीं जाएगा वो आत्मा बिना देह के आया वो दूसरा देह छोड़ करके आया इसको देह भगवान ने यहाँ दिया देह के लिए खाने लायक वस्तु भी दिया और सब छोड़ करके चला जाएगा कोई भी व्यक्ति यहाँ सोचे कि बहुत अच्छा घर बनाया इसको मेरे साथ भेज दो नहीं भेजा जा सकता कुछ भी नहीं जाएगा खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चला जाएगा परंतु यहाँ आने पर सब कुछ मिलता है भोजन मिलता है रहने को घर मिलता है कार मिली है क्या क्या लेकिन एक कोई चीज लेकर के नहीं आया तो प्रश्न होगा कि दूसरे लोगों ने बनाया है ना हमने नहीं बनाया ठीक है दूसरे बनाया तो भगवान की वस्तु को ही रूपांतरित किया ना वो भी लेकर के नहीं आया तो कोई पूछे कि अब भाई पूछा जाएगा हमारे बाप से पूछा जाए कि आप कुछ लेकर आए थे तो कहीं नहीं दादा से पूछा जाए तो वो भी कहेंगे नहीं हम कुछ लेकर नहीं आए कोई लेकर नहीं, नहीं आया ये कृष्ण की व्यवस्था है शरीर यहाँ बनता है भोग बनते हैं खाने के लिए पीने के लिए अब इतने मनुष्यों के लिए कितने दूध की जरूरत है भगवान से पैदा कर रहे हैं गाय द्वारा भैंस द्वारा वो पैदा कर रहे हैं कोई पैदा नहीं कर रहा है यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में जो दूध होता है माता के वो भी माँ पैदा नहीं करती है उस दूध को या उसके पति लड़के का पिता पैदा नहीं करते हैं बच्चा जब ही थोड़ा बड़ा हो जाता है तो दूध सूख जाता है कोई बना सकता है दूध वो सोचे कि नहीं कई बरस तक अपनी पत्नी के स्तन में दूध बना रहेगा नहीं बनेगा वो भगवान की व्यवस्था है वो देख लिया कि बच्चा सुकुमार है उसके दांत नहीं है वो रोटी नहीं खा सकता भात नहीं खा सकता फल नहीं खा सकता तो बहुत ही पौष्टिक है, दूध है, माता के स्तनों में भर देते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है अगर कोई इसको डिनाई करता है, उसे है तो उससे पूछ सकते हैं कि तब कौन किया है वो स्त्री की है जिसके स्तनों में दूध है नहीं उसको क्या पता है कि कैसे दूध आ गया वो पता तक नहीं है कि कैसे हुआ बनाने के बाद तो दूर रहे जिस जो व्यक्ति उस बच्चे को उस गर्भ में जन्म दे रहा है उसने दूध बनाया उसको चिंता है कि ये कैसे जिएगा कैसे खाएगा पिएगा ये भगवान दूध बनाते हैं माता के अस्तन में दूध से ले करके और इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये कार बाईव कंप्यूटर सब भगवान बना रहे हैं कोई आदमी नहीं बना रहा है इसको अगर आप विश्लेषण करके देखें तो बिल्कुल सिद्ध है कोई कुछ नहीं कर रहा है किसी में शक्ति नहीं है कोई कहे कि हमने दिमाग लगाया तो दिमाग भी भगवान ने दिया है ये गीता में बार बार वो कहते हैं बुद्धि बुद्धिमतामश्मी मैं बुद्धिमानों में जो बुद्धि वो मैं हूँ भगवान बुद्धि देते हैं शरीर भी दिए हैं बुद्धि भी देते हैं और जो सामान बनाया मान लीजिए आप लोहा से किसी यंत्र से कोई कार बना रहे हैं है, या हैंडल बना रहे हैं तो वो लोहा भी तो लेकर के नहीं आए जन्म के समय कोई लेकर के आया है लोहा यहाँ भगवान सब रख दिए हैं और बुद्धि भी दिए हैं उपाय भी बिना दिए पीट पाट गला करके कार बना दो विमान बना दो कुछ भी करे सब कृष्ण कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर महाराज जजाति सोच रहे हैं कि वास्तव में भगवान के भीतर ये सारा जगत है विष्णु के भीतर जैसे आकाश में बादल रहते हैं चले जाते हैं लेकिन भगवान नित्य हैं ये संसार की कैसा झूठा है जैसे स्वप्न माया मनोरथा जैसे व्यक्ति सपना देखता है लेकिन जगने पर सपना खत्म हो जाता है इस तरह से एक दिन संसार नष्ट हो जाता है और माया माया कहते हैं जादू को जादूगर अनेक प्रकार की चीजें दिखाता है जादू में लेकिन यथार्थ नहीं होती हैं वो चीजें और, और मनोरथा मनुष्य मन में क्या क्या सोचता है हवाई महल बना लेता है मन में ये करूँगा ये करूँगा लेकिन वो कुछ होता नहीं है तो इस तरह से संसार वास्तव में क्षणभंगुर है अनित्य है लेकिन भगवान नित्य हैं श्री कृष्ण नित्य है भगवान वासुदेव शाश्वत हैं सनातन हैं परम सुंदर हैं वे कभी नहीं मरेंगे नित्य हैं कभी प्रकट होना प्रकट नहीं होना इसी के लिए स्वप्न माया मनोरथ है दृष्टांत दिया गया ऐसे प्रभु को श्री कृष्ण को तम एवं हृदय विन्यस्य महाराज जजाति ऐसे प्रभु को श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में बसा करके और उनका यजन कर रहे थे पूजन कर रहे थे भगवान से कोई इच्छा नहीं थी इनकी पूर्ण मनोरथ थे यहाँ देखा जा रहा है कि बाहर रूप से महाराज जजाति भोगों में आसक्त हैं परंतु वास्तविकता ये नहीं थी ठीक है जगत को समझाने के लिए बताया जा रहा है कि वो भोगों में आसक्त थे उनको तृप्ति नहीं हुई लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण के परम भक्त थे तमेव हृदय विनय से उन्हीं को अपने हृदय में बसाए थे उन्हीं का चिंतन कर रहे थे और यही अभिलाषा करते थे कि मैं भगवान श्री कृष्ण के धाम जाऊंगा और उनका नित्य सेवक रहूंगा उनकी दास्ता में रहूंगा उनके पास रहूंगा यही उनकी अभिलाषा थी इसलिए निराशी अयजत निराशी का अर्थ है उनकी कोई दूसरी आशा नहीं थी कोई कामना नहीं थी तो एक दृष्टि से वो पूर्ण सफल थे भौतिक माने में भी सांसारिक जीवन में भी उन्हें जो सुख मिलना चाहिए सब मिला और इसके साथ ही साथ जो जीवन की पूर्ण सफलता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना तो वो भक्ति में भी पूरा संसार के भोग भोग देवयानी के साथ वे रहे सफल हुए लेकिन ऐसा नहीं था कि वे कृष्ण को भूल गए थे श्री कृष्ण के पूर्ण भक्त थे इसलिए हृदय विन्यास्य का आगे न्यास का अर्थ होता है रखना और वी का अर्थ है विशेषण श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए थे श्री कृष्ण के अलावा उनकी और कोई कामना नहीं थी और प्रभु का भजन ए, यजन किए यज्ञ किए पूजा किए कैसे वासुदेवम भगवान की विशेषता बताइए वासुदेवम जो वसुदेव जी के पुत्र हैं ये एक अर्थ हुआ ऐसे वासुदेव का अर्थ होता है जो जगत को पैदा किए हैं और पालन करते हैं विष्णु पुराण में परिभाषा दी गई है उनको वासुदेव कहते हैं लेकिन वासुदेव का अपौत्यवाचक अर्थ ये है कि वे वसुदेव जी के पुत्र हैं इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं इस बात को श्री कृष्ण ने स्वयं ही मुचकुंद महाराज के पास कहा है मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं तो ये वासुदेव के भक्त थे गुहा स्वयं वासुदेव कैसे हैं वे समस्त जीवों के हृदय में अंतर्जामी रूप से रहते हैं हृदय में रहते हैं भगवान सबके वो बैकुंठ में हैं गोलोक में हैं ब्रह्मांड में हैं सभी जीवों के हृदय में हैं इनको अंतर्जामी कहते हैं गुहा स्वयं गुहा का अर्थ होता है गुफा और स्वयं का अर्थ है सोने वाला वो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं नारायणम उन्हें नारायण कहते हैं क्यों नारायण कहते हैं नर का अर्थ है जीव और नार का अर्थ होता है जीव समुदाय समस्त जीव समुदायों के वे आश्रय हैं इसलिए उनको नारायण कहते हैं अथवा समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं इसलिए भी नारायण कहते हैं नर से नार शब्द बनता है और अयन का अर्थ है आश्रय समस्त जीवों के वे आश्रय हैं सबका पालन कर रहे हैं पोषण कर रहे हैं अच्छा सबके हृदय में हैं फिर भी अणी आंशम वे अणु हैं अति सूक्ष्म हैं सबके हृदय में हैं प्रकट हैं भगवान फिर भी उनको समझना बड़ा कठिन है बिना भक्ति के समझ में नहीं आते अति सूक्ष्म है अति सूक्ष्म चीज दिखाई नहीं पड़ती भगवान हैं सभी प्राणियों के हृदय में हैं वे मंदिर में हैं वे अर्चा विग्रह के रूप में हैं लेकिन अणियांशम अणियांशम का अर्थ है अणु से भी अणु है परमाणु से भी छोटे हैं इसका मतलब है कि दुर्गे हैं दुर्गम है भगवान की लीलाएं ऐसी हैं श्री कृष्ण की कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं भाई जो परम ईश्वर हैं काल के भी काल हैं वो अपने पिता का घर छोड़ करके ब्रज में क्यों चले गए जन्म हुआ मथुरा के कारागृह में तो भगवान चले गए तो देखने में लगता है ना कि डर रहे हैं कौन से <laughs> डर करके चले गए लेकिन अब लीला पढ़ी है तो ऐसा नहीं है कि भय से भगवान चले गए ब्रज में गए अपने प्रेमियों के साथ लीला करने के लिए प्रेम सुख का आस्वादन करने के लिए और उनको प्रेम देने के लिए राग राग भक्ति का परिवर्तन करने के लिए भगवान गए ब्रज में ऐसा नहीं था से के डर से चले गए <laughs> कंस के डर से और उनको क्या जरूरत थी कारागृह में जन्म लेने की पर माता पिता कारागृह में बंद थे तो अब कहाँ जन्म लें वहीं जन्म लिए और जन्म लिए तो फाटक खुल गया हथकड़ी बेड़ी टूट गई जमुना जितने जी जी मार्ग दे दिया पहरेदार सब सो गए ये भगवान की लीलाएँ मथुरा छोड़ करके भागे हैं तो कुछ ऐसा कह सकते डर करके भाग रहे हैं जरासंध के भय से कालजवन के भय से नहीं किसी से उनको कोई भय नहीं है डर नहीं है तो इस तरह से श्री कृष्ण की लीलाएं और श्री कृष्ण का रूप अणी सूक्ष्म है में, जल्दी समझ में नहीं आता है पर भक्तों की कृपा से भक्तों के मुख से जब सुना जाता है तब भगवान समझ में आ जाते हैं। प्रभु और श्री कृष्ण प्रभु हैं समर्थ हैं वे सभी जीवों के पालन में पोषण में समर्थ है जगत के करता है पालक है संहार करता है पर सर्वत्र सबको सर्वव्यापक सब, होते हुए भी दुर्गम प्रभु का है अर्थ है कि एको बहुना में विदधा का मान भगवान एक हैं लेकिन अनंत जीवों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं इसको प्रभु कहते हैं समर्थ सबका पालन कर रहे हैं और पराश शक्त्य विविध ही भगवान एक हैं पर इनकी शक्तियाँ अनेक हैं अनेक और अद्भुत तरह से काम करती हैं जैसे केवल बहिरंगा शक्ति को देखिए भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो जगत का निर्माण करती है जीवों को शरीर देती है और भोग देती है कैसी कैसी स्वाभाविक शक्तियाँ हैं ऐसे अनंत उदाहरण हैं मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जैसे भगवान की शक्ति कोई चीज़ पैदा कर रही है सब्जी जैसे मान लीजिए टमाटर है एक बीज रोपा जाता है और पौधा एक रोपा जाता है रोप कर आदमी छोड़ देता है है ना पौधा भी भगवान बनाए और पौधा में धीरे धीरे फल लगता है फल के ऊपर प्लास्टिक जैसा कवर अपने आप चढ़ जाता है और उसके भीतर रस भरा रहता है भगवान की सृष्टि देखी ये कौन कर रहा है कोई मान लीजिए कहे कि मैं टमाटर पैदा कर रहा हूँ लेकिन टमाटर का साइज रंग और वो सब तुम ने तो किया नहीं कुछ ये भगवान देते और भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं वो सबके हित के लिए कर रहे हैं एक बार एक व्यक्ति मन में विचार किया कि क्या भगवान सृष्टि किए हैं बेढंगा ये तरबूज का फल कितना बड़ा होता है और इसको एक लता में बना दिए जमीन पर लौट है देखिए भगवान के कऊट पटांग काम और बरगद में जो फल लगता है कितना छोटा है और उसको बड़े भारी पेड़ में टांग दिए छोटे छोटे फल को और इतना बड़ा फल लगता है उसको जमीन पर सुता दिए <laughs> वही क्या कहते उसको तरबूज वाटरमेलन है ना उसको इतना भारी भारी सब नीचे कर दिए तो उसके मन में दोष आए तो ये तो बड़ा बड़ा जो फल है उसको तो बड़े बड़े पेड़ों में लगाना चाहिए तो छोटी छोटी लता में इतना भारी भारी पेड़ फल लगा दिए और इतने बड़े बड़े बरगद पीपल आदि में छोटा छोटा फल लगाए तो ऐसा करते करते एक दिन की बात है वो आदमी दोष दृष्टि करके भगवान में सृष्टि करने नहीं आता है गलत किए हैं वो पीपल के नीचे सोया था तब तक जब जगा तो एक पीपल का फल छोटा सा आकर उसके आंख में गिरा आंख में गिरा तो इसके बाद तिलमिला गया आंख में लगा किसी तरह से धो धा करके कहा बाद में सोचा कि ओहो भगवान की सृष्टि कितनी अच्छी है अगर तरबूज ऊपर से गिरा होता अरे बाप रे, तो हमारा नाक कान सब खत्म हो गया होता भगवान ठीक सृष्टि किए हैं ये भारी भारी जो फल है उसको नीचे सुता दिए गिरने का कोई खतरा नहीं रहता। तो ये भगवान की सृष्टि है अस्तम कितने फल बनाए हैं कितने प्रकार के फल सब्जी अन्न ये सब लेकिन फिर भी मूर्ख लोग मांस खाते वो बिना पशुओं को काटे मारे खाए जी ही नहीं सकते ये अपने मन से कर रहे हैं ये गलत है जैसे प्रभुपा जी कहते हैं नो मीट ईटिंग मांस नहीं खाना भगवान काफी अन्न दिए हैं और है। काफी अन्न उत्पन्न हो सकता है और भी अधिक से अधिक पृथ्वी में तो ये भगवान की सृष्टि है ऐसे प्रभु का जजाति महाराज ने यजन किया उन्हीं को प्रसन्न करने की चेष्टा रखते थे दूसरा प्रसन्न हो या ना हो भगवान प्रसन्न हो यज्ञ करने से भजन करने से कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं इसलिए सारी व्यवस्था करते थे बताइए जहाँ पर राजकीय स्टैंडर्ड से कथा की व्यवस्था हो तो कितना बड़ा यज्ञ होता जो कहा ना कि लाख आदमी जब खाते थे तो जब पूरा हो जाता था अपने आप बिना बजाए ही ऑटोमेटिक घंटा बजता था एक लाख पूरा होने पर <laughs> अपने आप घंटा बजता था तो तब तक खाते रहते थे लोग जब तक घंटा नहीं बजता था तो एक बार के घंटा में एक लाख खाए फिर दूसरे बैठे हैं सब जगह खा रहे हैं खा रहे है। एक व्यक्ति पूछा कि खाने के लिए इतना आदमी जुटेंगे <laughs> कोई काम धंधा नहीं था काम धंधा क्या था राजा व्यवस्था कर रहा है खाने की तो भजन करना है अगर मान लीजिए सरकार सबको खिलाने लगे तो एक काम धंधा करने की क्या जरूरत है केवल हरे कृष्ण किया जाए भगवान का कीर्तन कथा ये तो कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है इसलिए काम करना पड़ रहा है तो वहाँ तो राजा जजाती व्यवस्था कर रहे थे जनता को खाने पीने की चिंता नहीं थी वो सब कीर्तन में लगे थे जग में भजन में लगे हुए थे ऐसे फैक्ट्री चलाओ ये चलाओ तब जिएंगे, नहीं तो नहीं जिएंगे, ऐसी बात नहीं थी उचित वर्षा होती थी उचित घाम उगता था पृथ्वी में पद... खाद्य पदार्थ बहुत सुंदर उगते थे इतना हलचल इतना लोग व्यग्र नहीं थे कार चलाओ हुरुरो भागे जा रहे ये रोड भरा जा रहा है इधर वाला उधर वाला आ रहा है ये कहाँ जा रहे हैं क्यों इतना जोर जोर से भागते हैं फिर उधर से हुर ये प्रभुपाद जी बोलते हैं एक टेप में भाग रहे हैं इधर से सुख के लिए भाग रहे हैं ना पर खुद ही दुख है इतना चिंता और उस पर भी अगर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो जाए तो आ, ये हो गया वो हो गया ये ये सब आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल और आर, वास्तविक जीवन है भगवान की कृपा पर रहना भगवान का भजन करना और भजन से जग से वर्षा होती है खूब अच्छी तरह से अपने आप पृथ्वी देती है अकृष्ट पक्षय पृथ्वी को कहा गया है बिना जोते फसल होता था ये नहीं समझना चाहिए कि तब सब लोग आलसी थे ऐसे ही खाने के लिए जुटे रहते थे यज्ञ में ऐसा नहीं है सबका शरीर बड़ा फुर्तीला था सभी कार्य में रहते थे लेकिन भगवान की आराधना में रहते थे भगवान की भक्ति में और पालन हो रहा था अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं वर्ष सहस्राणी मन सष्ठ मन सुखम ना तृप्यत सार भौम कदिंद्रिय महाराज जजाति सार्वभौम थे समस्त भूमि के पति थे और इस तरह से इंद्रिय सुख ले रहे थे भगवान की भक्ति कर रहे थे लेकिन इंद्रियों के भोगों से उन्हें तृप्ति नहीं हुई एक दिन की बात थी श्री नारद मुनि उनके पास आए और महाराज अम्बरीश की कथा सुनाए राजा जजाति को बड़े ध्यान से सुने और उसी समय उन्हें वैराग्य हुआ उस वैराग्य होने पर वो अपनी पत्नी से एक कहानी कहे और कथा कह करके घर से निकल गए अपनी ही पत्नी से एक ही बेड पर बैठ करके और कथा कहे है वो कथा कल कही जाएगी खुद महाराज जजाति अपनी पत्नी से कथा कहे और वो कोई दूसरी कथा नहीं थी अपने बारे में ही थी लेकिन उसको अजीब ढंग से वे कहे हैं और देवयानी भी विरक्त हो गए वो भी भगवान को प्राप्त की और ये भी प्राप्त किए भगवान को तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है वो कथा सुनने में मनोरंजक है लेकिन बहुत शिक्षा प्रद इस तरह से महाराज जजाति के राज्य का और भोग का वर्णन किया गया